सो हे गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? कैसे आप सब? आई होप यू आर फिट एंड फाइन. सो दिस इज जतिन, अ 15 ईयर ओल्ड 11th क्लास स्टूडेंट ऑन ब्यूटीफुल सा चैनल जतिन्स लेक्चर. सो गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ इफ यू हैड नॉट डन इट. एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट माय न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन. सो गाइस, चलो बातों-बुतों को छोड़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं. Basically, in this video, we are covering the question number 4 of means first question का fourth part करेंगे guys. Exercise होगी 8.2 introduction to trigonometry. मैं trigonometry chapter round week हो चुका है guys. मैंने videos upload करता रहता हूँ trigonometry की. So अगर आपको please पसंद आए तो video को like करना, और अगर आप मेरे channel पे new हैं तो subscribe करना. So चलो करते हैं. ये करने से पहले गाइस, प्लीज आप इनकी वैल्यूज याद कर लीजिए. एनसीईआरटी में गिवन है और मैंने भी बहुत बार में बताता तो रहता हूं अपनी वीडियोस में. सो इसमें भी पहले बता देता हूं. देखिए, हम यहां पर sin 30, sin 30 की वैल्यू ले होती है गाइस हाफ. नेक्स्ट tan 45 वन है, cosec 60, cosec 60 अंडर 2 बाय अंडर रूट 3. देन sec 30 2 बाय अंडर रूट 3. sec 30 और cos इक्वल होता है गाइस cos 60 हाफ होता है गाइस cos 60. और अब ये रह गया cot 45. कोट 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1 गाइस, 1 होती है. सो कोट 45 1. ये सारे हो गए. सो अब क्वेश्चन करते हैं. sin 30 है हाफ प्लस tan 45 1 बाय 1 माइनस sec 60 2 बाय अंडर रूट 3. नाउ होल्ड में गाइस, sec 30 की वैल्यू देखिए वहां पर 2 बाय अंडर रूट 3. नाउ प्लस cos 60, cos 60 हाफ गाइस एंड प्लस 1. तो आगे सॉल्व करते हैं. एलसीएम ले लेते हैं गाइस, 2 अंडर रूट 3 ले लेते हैं. क्या आ जाएगा एलसीएम 2 अंडर रूट 3, देन ऊपर अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4. नीचे भी एलसीएम गाइस 2 अंडर रूट 3 आएगा, उसके बाद 4 प्लस अंडर रूट 3 देन प्लस 2 अंडर रूट 3. आगे सोल्व होगा तो गाइस ये बनेगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बाय 2 अंडर रूट 3. ना नीचे बनेगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 बाय 2 अंडर रूट 3. यहाँ तक हो गया गाइस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड बचेगा अपने पास 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बाय 3 अंडर रूट 3 प्लस 4. सो चाहे तो यहाँ तक मीन्स अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ तक सोल्व हो गया, अब आगे सोल्व नहीं होगा है ना. बट गाइस ये भी सोल्व होगा. हाँ, इसको कैसे सोल्व करें, अब रैशनलाइजेशन करते हैं गाइस इसका. सो चलिए इस नंबर का रैशनलाइजेशन करते हैं. आपको रैशनलाइजेशन तो पता ही होगा गाइस कि रैशनलाइजेशन क्या होता है. रैशनलाइजेशन इज नथिंग बट रिमूव, मतलब एक प्रोसेस है जिससे हम डिनोमिनेटर से उसका अंडर रूट का साइन हटा देते हैं. सो चलो करते हैं. इसमें है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बाय 3 अंडर रूट 3 प्लस 4. इसका गाइस रैशनलाइजेशन क्या होगा, इसका रैशनलाइजेशन कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बाय 3 अंडर रूट 3. यही होगा ना गाइस, इसकी सेम टर्म लिखनी होती है बट साइन चेंज करना होता है हमें. सो ऊपर तो बनेगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 3 अंडर रूट 3 ना 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर. इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटी लगा देते हैं, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2. नीचे होगा गाइस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 16 गाइस. सो अब ये बनेगा अपने पास 27
प्लस 16 है, माइनस 4 टू जाए 18 मतलब 24, 24 अंडर रूट 3 बाय 11, ये हो गया गाइस इसी साथ में ना। सो इसे सॉल्व करते हैं अब, 27 प्लस 16 कितना होता है गाइस, सो ये 43 हो गया अपना, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 बाय 11 हो गया गाइस। डिनोमिनेटर से हमने अंडर रूट का साइन हटा दिया, सो अपने पास से ये रिजल्ट आ गया एंड इट्स द फाइनल रिजल्ट। इसका सिंपलीफिकेशन बिल्कुल ये फाइनल है गाइस, कुछ नहीं करना था, मैं इसको इवैल्यूएट करना था एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन फाउंड हो गया। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आए एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय गाइस।